राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू से। जी हां, आपको बता दूं, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पार्टी आलाकमान से ही नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल इसकी वजह यह है क्योंकि वो पार्टी आलाकमान से ये मांग कर रहे थे कि पार्टी आलाकमान जो है पंजाब कैबिनेट के अंदर उन्हें जगह दिलवा दे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन मुलाकात तो बेनतीजा साबित हुई, क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की, तो वो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह देने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी आलाकमान की याद आई, यानी कि राहुल और सोनिया की, और राहुल और सोनिया इस कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से पंजाब के अंदर जो कैबिनेट में जगह है वो नवजोत सिंह सिद्धू को वहां पर दिला दी जाए, यानी कि पंजाब कैबिनेट में एडजस्टमेंट करवा दिया जाए नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि पार्टी आलाकमान की कोशिशें भी विफल साबित होती हुई नजर आ रही है, यानी कि कैप्टन अमरिंदर पार्टी आलाकमान की बात भी नहीं मान रहे हैं, और जिससे अब नवजोत सिंह सिद्धू का भरोसा कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से उठता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पार्टी आलाकमान को जो कोशिशें करनी चाहिए वो कोशिशें वो उतने हद तक नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर खुद जो है पंजाब की स्थिति का संभालते हैं, और वो कई बार उन्होंने पार्टी आलाकमान की बातों को भी इग्नोर किया है। तो ऐसे में पार्टी आलाकमान का जो जादू है वो कैप्टन अमरिंदर पर नहीं चलने वाला। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर ही तय करेंगे कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह दिलवानी है। लेकिन आपको बता दूं कि पंजाब कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाने की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू थोड़े से छटपटा के नजर आ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर जो छटपटाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और उनका पूरा पूरा फोकस ये है कि पंजाब कैबिनेट के अंदर उन्हें जगह दी जाए। वैसे अगर बात की जाए तो जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी दोबारा से जो है चर्चाओं में लेकर आई है, और नवजोत सिंह सिद्धू की याद कांग्रेस पार्टी को आई है, इसका साफ मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये नहीं चाह रही कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी से अलग हों या फिर पंजाब कैबिनेट में उन्हें बाहर रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं, और पंजाब में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू का मौजूद होना कितनी बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगी। हालांकि अगर बात करूं तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच की दूरियां भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले जो खबरें सामने आई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद कुछ इस तरह की आशंकाएं जगने लगी थी कि शायद जो है वो कैप्टन अमरिंदर जो है वो मान चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात। लेकिन बाद में ये स्थितियां देखने को मिली कि कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो बातचीत हुई वो बेनतीजा साबित रही, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा अगर कहा जाए तो माहौल जो है वो फिलहाल अभी नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो पंजाब में अगर कैबिनेट के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू को जगह मिलती है तो अन्य मंत्री भी सवाल खड़ा करेंगे कि आखिरकार किस हक से नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा से पंजाब कैबिनेट में जगह दी गई। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर यहां पर कदम उठा रहे हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो है अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी आलाकमान भी जो है अब वो पानी की तरह रह गई है, यानी कि जिस तरह से एक लकीर खींची जाती है पानी पर तो वो लकीर तुरंत हट जाती है, तो वही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लग रहा है कि पार्टी आलाकमान भी शायद किसी काम के नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी आलाकमान का वश चलता तो
पंजाब में कैबिनेट के अंदर जगह नवजोत सिंह सिद्धू को दिलाई जाती तो पूरा माहौल जो है इस वक्त बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी न सिर्फ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर से है बल्कि पार्टी आलाकमान से भी है। जी हाँ, एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने जब कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात की थी उसके बाद क्या जो है सियासी मायने निकलकर सामने आए थे और किस तरह से इस वक्त जो है नवजोत सिंह सिद्धू वो पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी आलाकमान सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में एडजस्ट नहीं कर पा रही। वहीं अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते दिनों जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात की और करीब ये मुलाकात एक घंटे तक चली। सिद्धू ने इस बैठक में ये बात कही थी कि उन्हें जो उनके पुराना विभाग था उसको वापस किया जाए। दरअसल जब नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो उसके साथ ही उनके पास से वो विभाग भी चला गया था। ऐसे में सिद्धू ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा से कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन कैप्टन सिद्धू को जगह देने के मूड में नहीं है। सिद्धू पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के साथ मोहाली के सिसवान में इस फार्म हाउस पर गए थे। उनसे जब स्थानीय निकाय विभाग वापस लिया गया था तब उन्होंने 2019 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ते थे वो भी ठीक नहीं चल रहे थे। तब से उन दोनों के बीच ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक नवंबर में हुई थी और इसे मुख्यमंत्री द्वारा संबंध सुधारने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा था। पार्टी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सिद्धू को उनके इस्तीफे के बाद से ही उन्हें पद दिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पंजाब मामलों के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने उन्हें अहम पद देने पर दबाव बनाया था। सिद्धू दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन यहां पर देखने को ये मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को फिलहाल पंजाब कैबिनेट में जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल इसकी वजह यह है कि कैप्टन अमरिंदर अभी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर पंजाब कैबिनेट के अंदर सिद्धू को जगह दी जाती है तो उन्हें अन्य मंत्रियों को भी इस बात की जानकारी देनी होगी और अन्य मंत्रियों को भी जवाब देना होगा। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सिद्धू न सिर्फ पार्टी आलाकमान से नाखुश दिखाई दे रहे हैं बल्कि वो यहाँ पर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर से भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट किस तरह से इसमें देखने को मिला कि नवजोत सिंह सिद्धू के बीच और कैप्टन अमरिंदर के बीच जो मुलाकात हुई ये मुलाकात बताती है कि कितना जो है स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल वो स्थिति बेहतर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि क्या जिस तरह से पार्टी आलाकमान का वश भी नहीं चल पा रहा है कैप्टन अमरिंदर पर, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर सकते हैं? जैसा कि अगर मैं बात करूं कि कैप्टन अमरिंदर की, तो फिलहाल वो तो सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह देने के मूड में नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की भी बात हम यहां पर करते हैं कि जब वो बीजेपी में शामिल थे और जिस तरह से बीजेपी के अंदर काफी हो हल्ला हुआ था और उसके बाद देखने को मिला था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी स्थिति को देखते हुए जिस तरह से किरकिरी उनकी हुई थी उसको देखते हुए उन्होंने फौरन बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो वो किसी एक राजनीतिक पार्टी में टिकने वाले नहीं है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी में उनको जगह नहीं मिल पा रही है और पंजाब कैबिनेट के अंदर उन्हें जगह मिलना असंभव है, तो हो सकता है संभावनाएं ये बन सकती हैं कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि सिद्धू आगे और क्या कदम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल तो नवजोत सिंह सिद्धू और पार्टी आलाकमान के बीच इस वक्त 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।